एक है VBSPU एंड RMLAU, ठीक है, VBSPU एंड रमल्लो, ये दोनों यूनिवर्सिटी जिसको आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और अवध यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं। इन दोनों ही यूनिवर्सिटी के सिलेबस को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल OCC बाय विपुल सर में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे MSc प्रीवियस ईयर के फिजिक्स के सिलेबस को, जो कि दोनों यूनिवर्सिटी जो कि यहाँ की यूपी की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है VBSPU एंड RMLAU, ठीक है, VBSPU एंड रमल्लो, ये दोनों यूनिवर्सिटी जिसको आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और अवध यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं। इन दोनों ही यूनिवर्सिटी के सिलेबस को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या दोनों में डिफरेंस है और दोनों का डिटेल्ड बिल्कुल सिलेबस टॉपिक वाइज है ना, पूरा यूनिट वाइज। सबसे पहले तो सारे पेपर का नाम मैं बताऊंगा और इसके बाद उन सभी पेपर्स में कौन कौन से टॉपिक हैं, कितनी यूनिट्स हैं, कौन कौन से यूनिट्स में क्या क्या पढ़ना है, ये सारी बातें बिल्कुल इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं पूरे PDF का आपको दर्शन करवा दूं, तो ये रहा आपका पूरा PDF, ध्यान से इसका दर्शन कर लीजिए बिल्कुल। हालांकि इसमें अभी मैं सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, ये अभी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का आपका है और इसको स्क्रॉल करते हुए आप लोग आएंगे तो यहाँ पर पेज नंबर आप देखेंगे, पेज नंबर ये आपका 10 है, 9 के बाद पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 से हालांकि आपको साफ थोड़ा दिखाई नहीं देगा, आपको जूम कर करके देखना पड़ेगा। ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इसको जूम कर करके एक एक चीज़ देख लीजिएगा। यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि देखिए पेज पे लिख के डाला हुआ है ना, ये भी देखिए जो प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस है ये अवध यूनिवर्सिटी का, वो पेज पे लिख करके डाला हुआ है। ये नहीं कि मतलब इसका अच्छे से बनवा के डालें, लड़के देखेंगे इतने लड़के हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन फिर भी ये देखिए आप किस तरीके से कि पेज पर लिख करके बिल्कुल डलवाया हुआ है, उसमें गूंजी गाजा बिल्कुल हुआ है, कट पिट सब एकदम इसी में जैसे लग ही नहीं रहा है यूनिवर्सिटी का PDF है। और ये आप जा करके डाउनलोड खुद भी कर सकते हैं वैसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, मैं वहीं से इसको लिया हुआ हूँ, अपने से नहीं लिखा हूँ, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी वाले खुद लिख करके ऐसे डाले हुए हैं, तो वहीं से मैंने डाउनलोड इसको कर लिया है। ये देखिए प्रीवियस ईयर का आपको मिलेगा इस तरीके से, यहाँ से पेज नंबर 10 से आपको अवध यूनिवर्सिटी का मिलेगा इस तरीके से, और यहाँ से फाइनल ईयर का मिलेगा। हालांकि देखिए इसमें मैं आपको डिस्कस करके सिर्फ बताऊंगा प्रीवियस ईयर का, MSc प्रीवियस ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर का ही सिलेबस में बताऊंगा और बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ। यहाँ पे आप देखेंगे ना प्रैक्टिकल वगैरह सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आपको देने हैं, उन प्रैक्टिकल्स का नाम क्या है ना, सारी चीज़ें बिल्कुल सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। और सिर्फ यहाँ पर मैं लिखा हूँ प्रीवियस ईयर, लेकिन प्रीवियस ईयर ही नहीं, आपको इसमें फाइनल ईयर के भी सिलेबस मिलेंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर को, क्योंकि दोनों साल का डिस्कस करूंगा ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं फाइनल ईयर का किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लूँगा सेम PDF पर। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के PDF को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ईयर के सिलेबस को देखने वाले हैं, ठीक है। आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का आपको मिल जाएगा, आप लोग आराम से डाउनलोड करिए और उसको देख लीजिए। और मैं आपको बता दूँ ये दोनों ही यूनिवर्सिटी ईयरली करवाती हैं, ईयरली पेपर करवाती हैं, सेमेस्टर वाइज इसमें ऐसा नहीं होता। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूपी की ही हैं जो सेमेस्टर वाइज करवाती हैं पेपर, तो सेमेस्टर वाला ये सिलेबस नहीं है। मैं आपको बता दूं अगर आपको किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का सिलेबस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका भी सिलेबस आपको इसी तरीके से प्रोवाइड कर दूँगा पूरा फुल सिलेबस। लेकिन ये सिर्फ दो यूनिवर्सिटी का है, पूर्वांचल और अवध यूनिवर्सिटी, दोनों की जबकि दोनों ईयरली यूनिवर्सिटी यानी ईयरली पेपर करवाती हैं, सेमेस्टर वाइज पेपर नहीं करवाती हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग आएँ तो सबसे पहले आपके सामने पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का PDF है, तो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को ही देख लेते हैं। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे यहाँ पर प्रीवियस ईयर, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में MSc प्रीवियस ईयर फिजिक्स का है बिल्कुल, और इसमें आप लोग बस पेपर को ध्यान देते जाइए। यहाँ पर लिखा है कि 6 पेपर रहेंगे, आप अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 6 पेपर रहेंगे और सब के सब 70-70 नंबर के रहेंगे। साफ आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा कि 6 पेपर रहेंगे और 6 के 6 थियरी के 6 पेपर रहेंगे, 6 पेपर रहेंगे और सभी के सभी 70 मार्क के रहेंगे, यानी कि सब के सब इक्वल मार्क के हैं, कोई कम या ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें आपको बताऊँ तो थियरी के 6 पेपर हैं और सब के सब 70 मार्क के हैं, और
पहले पेपर का नाम आप देखेंगे तो मैथमेटिकल फिजिक्स है, दूसरे पेपर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी एंड प्लाज्मा फिजिक्स है, तीसरे पेपर का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स, चौथे पेपर का नाम है ग्रुप थियरी एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और पांचवे पेपर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, और छठवें पेपर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपके छः पेपर हैं और सब के सब 70-70 मार्क के रहेंगे प्रीवियस ईयर के अंदर। ठीक है, अब इसमें अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ तो प्रैक्टिकल आपका कुछ ये रहने वाला है, एक्सपेरिमेंट वन आपका 50 मार्क का रहेगा, एक्सपेरिमेंट टू आपका यानी कि दो इसमें आपका एक्सपेरिमेंट रहेगा, है ना, दो प्रैक्टिकल इसमें आपका होगा 50-50 नंबर का, 50-50 मार्क का आपका दो प्रैक्टिकल होगा और 50 मार्क का आपका वाइबा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है साफ साफ 50 मार्क का वाइबा होगा, हो गया 150 नंबर। और इसके बाद रिकॉर्ड यानी कि आप कितना गए हैं कॉलेज में, कितना आपका प्रेजेंट लगा है, ये सारा कुछ रिकॉर्ड देखते हुए 30 नंबर आपको इस पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे दो प्रैक्टिकल है, कुल मिलाकर के इसमें 50-50 नंबर का, 50 नंबर का वाइबा है, 150 नंबर और 30 नंबर आप देखेंगे यहाँ पर रिकॉर्ड पर आपको दिया जाएगा, तो कुल मिलाकर के 180 नंबर का यहाँ पर प्रैक्टिकल आपका हो जाता है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ, 70-70 मार्क के 6 पेपर हैं आपके यहाँ पर थियरी में, और प्रैक्टिकल में आपके 180 नंबर का आपका टोटल प्रैक्टिकल समझ लीजिए यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, बाकी आप डिटेल में यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कितने टाइम का रहेगा, कितने मिनट का रहेगा, ये सारा कुछ इसमें डिटेल दिया हुआ है। मैं सब कुछ पढ़ूंगा ना तो बहुत एक दो घंटे का वीडियो बन जाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ, बाकी सारा कुछ आप लोग देख लेंगे। ये देखिए, अगर मैं पहले पेपर की बात करूं तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये है यूनिट नंबर एक टेंसर एनालिसिस एंड ग्रीन फंक्शन मैथमेटिकल फिजिक्स में, बी वाला है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड, देखिए ए बी सी करके इसमें लिखा गया है, इसमें आप इसको यूनिट ही मान सकते हैं। ठीक है, इसको आप यूनिट ही मान लीजिए, जो ए बी सी करके यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे यूनिट मान लीजिए। टोटल चार यूनिट रहेगी, चारों में से मैं चारों का नाम बस बताते हुए चलता हूँ। इसमें टेंसर एनालिसिस एंड ग्रीन फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है एंड फोरियर ट्रांसफार्मर है, और नेक्स्ट है सी वाले में न्यूमेरिकल एनालिसिस है। टोटल यहाँ पर मेन तीन ही यूनिट है, चार नहीं, तीन यूनिट यहाँ पर आपकी है पेपर फर्स्ट में। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, पेपर सेकेंड में भी एक दो और दो ही यूनिट है, पेपर सेकेंड में दो ही यूनिट है मेन, पहली है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, दूसरी है प्लाज्मा थियरी। ठीक है, ये पेपर नंबर सेकेंड की है। पेपर थर्ड पर आते हैं तो पेपर थर्ड में आप देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स पेपर थर्ड का नाम है, इसमें ब्रा एंड किट नोटेशन है, और दूसरी यूनिट आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, और तीसरी यूनिट मैट्रिसेस मैकेनिक्स है, एंड इसमें चार यूनिट है, चौथी यूनिट का नाम है अप्रॉक्सिमेट मेथड्स एंड दियर एप्लीकेशंस। ठीक है, ये चौथी यूनिट है, इसमें चार यूनिट है। पेपर नंबर फोर की तरफ आते हैं तो इसमें ग्रुप थियरी में आप देखेंगे तो सबसे पहले ग्रुप थियरी है पहले यूनिट में, दूसरी यूनिट में मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है, तीसरी यूनिट में मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें तीन ही यूनिट है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो पेपर नंबर फाइव में थर्मोडायनेमिक्स वाला जो आपका पेपर है, तो इसमें सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स ही है, इसके बाद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, इसके बाद फ्लक्चुएशंस एंड कॉपरेशन फिनोमिना है तीसरी यूनिट में, एंड चौथी यूनिट की तीसरी तीन ही यूनिट इसमें है, चार यूनिट नहीं है। अब आते हैं पेपर नंबर सिक्स की तरफ, सबसे जो आपका लास्ट थियरी का है, तो इसमें आप देखेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहली यूनिट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है दूसरी यूनिट, एंड तीसरी यूनिट आपकी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी तीसरी यूनिट है। तो तीन यूनिट इसमें भी हैं, सिर्फ एक पेपर ऐसा है जिसमें आपको चार यूनिट पढ़नी है, बाकी सब में एक में तो दो ही यूनिट है, बाकी में तीन तीन यूनिट आपको यहाँ पर जनरली पढ़नी है। और यहाँ पर आपका है एक्सपेरिमेंट, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करने, मैंने आपको बताया था कि दो एक्सपेरिमेंट आपके रहेंगे, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी में इसको यहाँ पर बांटा गया है। ग्रुप ए में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ढेर सारे यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिखे गए, ये सब आपको करवाए जाएंगे, एंड ग्रुप बी में जनरल एक्सपेरिमेंट है, जो कि ये सारे एक्सपेरिमेंट आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही आप लोग ठीक से अपना देख लेंगे। अब आते हैं हम लोग रमल्लू पर, अवध यूनिवर्सिटी में ध्यान से थोड़ा देखिएगा, इसमें आपको साफ नहीं दिखाई देगा, देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई देगा, है ना। उसमें आपको छः पेपर मैंने आपको बता दिए, इसमें आप देखेंगे पांच पेपर हैं,
इसमें आप देखेंगे टोटल पांच पेपर हैं और पांचों के पांचों पांचों में अगर आप देखें तो ये पहला वाला पेपर आपका 100 मार्क का है और ये भी मेरे ख्याल से 100 मार्क का ही होना चाहिए, लिखा है 1000 मार्क, लेकिन 1000 मार्क तो नहीं होना चाहिए, 100 मार्क ही होना चाहिए, 100 मार्क का ये भी, 100 मार्क के भी, 100 मार्क के भी, यानी कि सबके सब यहाँ पर, वहाँ पर 70-70 नंबर का था, यहाँ पर 100-100 नंबर का रहेगा और पाँच ही पेपर रहेगा, एक पेपर आपको इसमें नहीं पढ़ना रहेगा। तो अगर आप अवध यूनिवर्सिटीज़ पढ़ते हैं इसमें आपको पाँच ही पेपर देना रहेगा। पहले पेपर की बात करें तो मैथमेटिकल फिजिक्स इसमें भी है, दूसरे पेपर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी और प्लाज्मा थियरी इसमें भी है जो कि उसमें भी है, क्वांटम मैकेनिक्स दोनों में है, एंड ये है आपका मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, पेपर नंबर 4 का नाम है एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि दोनों में है, और पांचवे का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स, पांचवे का नाम क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स, एक बस उसमें नहीं है ग्रुप थियरी वाला एक पेपर जो उसमें था आपका पूर्वांचल में, वो अवध में आपको इसमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिकल की बात करें तो इसमें भी सेम वैसे ही पैटर्न दिया हुआ है कि दो आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी करके आपको दो एक्सपेरिमेंट करना रहेगा, और वहाँ पर 50-50 नंबर का था, यहाँ पे आपको 60-60 नंबर मिलेगा, ठीक है 60-60 नंबर का रहेगा। और अगर आप एक्स स्टूडेंट हैं यानी कि पिछली बार फेल हो चुके हैं तो आपको 90-90 नंबर का यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा, ये भी एक अच्छी बात है। वाइवा आपका 70 नंबर का होगा जबकि वहाँ पर 85 नंबर का था, और नेक्स्ट सेशनल वर्क आपका 30 नंबर का रहेगा, और एक और कुछ लिखा हुआ है साफ दिख नहीं रहा, आप लोग जूम करके देख लीजिएगा, वही आपका रिकॉर्ड वगैरह, ये रिकॉर्ड ही लिखा होगा, रिकॉर्ड वगैरह आपका 30 नंबर का रहेगा, यानी कि 60 नंबर का भी हो जाता है, यानी कुल मिलाकर के वहाँ पर 180 नंबर का प्रैक्टिकल था, लेकिन यहाँ पर 250 नंबर का, 250 नंबर का यहाँ पर प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है एक्स स्टूडेंट के लिए भी और रेगुलर कैंडिडेट के लिए भी 250 नंबर का यहाँ पर प्रैक्टिकल रहेगा, और 100-100 नंबर का आपका 5 पेपर रहेगा, ठीक है ये हो गया। और बाकी आप लोग इसमें साफ तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले पेपर में आपका वही सब कुछ है जो आपका पूर्वांचल में था, सेम इसमें भी रहेगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन हो गया, थोड़ा सा डिफरेंस करके यहाँ पे आप देखेंगे रहेगा, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हो गया है ना प्रीवियस ईयर में, और नेक्स्ट ये सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर में फर्स्ट यूनिट दिख ही नहीं रही है, सेकेंड यूनिट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, और थर्ड यूनिट इसमें थर्ड यूनिट का नाम ही नहीं लिखा गया है। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके खुद से ठीक से देख लीजिएगा क्योंकि इसमें साफ लिखा नहीं है, आप लोग जूम करके इसको ठीक से देख लीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। पेपर नंबर सेकंड में पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी है पहली यूनिट, दूसरी यूनिट आपकी, दूसरी यूनिट का देखिए नाम, दूसरी यूनिट यहाँ पर है प्लाज्मा फिजिक्स है, तीसरी यूनिट आपकी हाइड्रोनॉमिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लाज्मा है, तीसरा है काइनेटिक थियरी एंड प्लाज्मा है, मतलब उससे थोड़ा सा डिफरेंस इसमें दिया गया है, हालांकि पेपर वही है, पढ़ना सब कुछ वही रहेगा, लेकिन जो यूनिट का नाम है ना वो आपको थोड़ा सा चेंज यहां पर मिलेगा इसके अंदर। पेपर नंबर थर्ड की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स में आपका वही ब्रायंड केट वाला पढ़ना है, एंड मैं सेकेंड यूनिट में आपको मैट्रिक्स फार्मूलेशन पढ़ना है, थर्ड यूनिट में आपको अप्रॉक्सीमेशन मेथड पढ़ना है, और फोर्थ यूनिट में आपको स्कैटरिंग थियरी पढ़नी है, ठीक है। तो आप देखेंगे चीज़ें वही हैं, लेकिन इसमें जो यूनिट का नाम है ना वो बदल दिया है, कोई कोई यूनिट तो सेम नाम की है लेकिन कुछ यूनिटें यहाँ पर अलग नाम से आ गई हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स उसमें भी था इसमें भी है, तो इस तरीके से करके यहाँ पर है। पेपर नंबर यहाँ पर फोर की बात करें तो फोर में देखिए क्या लिखा है, इवेशन लिखा हुआ है, इवेशन जो आपका पेपर नंबर आपका फोर यूनिट नंबर फोर आपका है, कीलिंग एंड गॉर्डन डिरेक इवेलेशन, ये आपको पढ़ना है, ठीक है ये आपको यूनिट नंबर फोर में पढ़ना है इस पेपर के, पेपर नंबर थर्ड के। अब आते हैं पेपर नंबर फोर की तरफ, पेपर नंबर फोर आपका है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट का नाम ही नहीं लिखा है, फोर्थ यूनिट का नाम ही नहीं लिखा है, फिफ्थ यूनिट का नाम ही नहीं लिखा है, लेकिन दिया सब है, नाम नहीं लिखा है। नेक्स्ट की अगर मैं इसमें बात करूं तो नेक्स्ट पेपर भी देखिए यहाँ से कट कर दिया है, लेकिन दिया इसमें सब है। पेपर नंबर फिफ्थ इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट फर्स्ट की अगर मैं इसमें बात करूँ तो यूनिट फर्स्ट में आपका ओ पी ई एम पी पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में, यूनिट सेकेंड में इसमें ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर पढ़ना है,
ये यूनिट नंबर फोर में आपका नॉन एसनोडियल जनरेटर्स पढ़ना है आपको इसमें, और यूनिट नंबर फाइव में आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है ये फाइनल ईयर का, तो फाइनल ईयर हम लोग किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए ये आपका यहाँ पर प्रीवियस ईयर का ये मोटा मोटा मैंने यूनिट वाइज बता दिया है कि क्या इसका सिलेबस है। अब यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये आप लोग पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में से दोनों ही यूनिवर्सिटी का आपको पीडीएफ एक ही, दोनों यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस आपका एक ही पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करिए आप लोग और आराम से उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए ठीक से, और जो समझ में आए उसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं या फिर इसको प्रिंट करवा लीजिए, तो आपको पता हो जाएगा कि आपको एमएससी प्रीवियस ईयर में क्या क्या पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।